अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एन ए हेल्थ। दौरान हमल डिप्रेशन से बच्चे की ज़हनी नशोनुमा मुतासर होती है। पैदा होने के बाद इन बच्चों को मुसलसल समाजी और जज्बाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाल ही में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि जो माएँ हमल के दौरान अज़्तराब डिप्रेशन और तनाव का शिकार रहती हैं, बाद में इनके बच्चों को अलमी नशोनुमा मुतासर होती है। माहिरीन की जानिब से किए गए एक मुताले में बच्चों के दिमाग के मकनातीसी रेजोनेंस इमेजिन स्कैनों की बुनियाद पर यह देखा गया है कि जिन माओं ने हमल के दौरान ज़हनी तनाव की इतला की, इनके बच्चों के दिमागी हिस्से पर मनफी असरात के शवाहिद पाए गए। माहिरीन के मुताबिक हिप्पोकैम्पस दिमाग को मालूमात के हिस्सों में मदद फराहम करता है और याददाश्त को कंट्रोल करता है। तहकीक में बाय हिप्पोकैम्पस का नफसियाती बीमारी से ताल्लुक होने का भी पता चला। मुहक्किकीन ने कहा है कि रहम में रहते हुए बच्चे जो अभी भी जने थे, इनके बाय हिप्पोकैम्पल के हजम में तब्दीलियां देखी गई, जो पैदाइश के बाद देखे जाने वाले दिमागी नशोनुमा के मसाइल की वजाहत करती हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक पैदा होने के बाद इन बच्चों को मुसलसल समाजी जज्बाती मसाइल का सामना करना पड़ता है और इन्हें अपनी माओ समेत दूसरों के साथ मस्बत ताल्लुकात कायम करने में दुश्वारी का भी सामना करना पड़ सकता है। साइंसदानों ने जिंदगी बढ़ाने वाली गजाओं की नई फहरिस्त जारी कर दी। माहिरीन ने कहा है कि फल, सब्जियां, मुकम्मल अनाज का इस्तेमाल और वक्फावार फाके से उम्र में इजाफा हो सकता है। इसमें शक नहीं कि मौत यकीनी और इसका वक्त भी पेशगोई का अहल नहीं, लेकिन बाज़ गजाएं ऐसी भी हैं जो जिस्म को तंदुरुस्त रखते हुए उम्र की तवालत बढ़ा सकती हैं। इस फहरिस्त में साइंसदानों ने बाज़ नई गजाओं का इजाफा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया के गजाई माहिर ने कहा है कि फाका और मुनासिब गजा के अम्तजाज को बरकरार रखते हुए इंफरादी सतह पर जिंदगी को तवील बनाया जा सकता है। इस जमन में जामिया विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर रोजालिन एंडरसन ने भी मदद की है और उन्होंने गजा और तवील जिंदगी के साइंसी लेक्चर का तफसीली जायजा लिया है। इस तरह गजाइत, फाका और दीगर अहम अमूर को मताले में शामिल किया गया है। इसके अलावा हशरात, भोजनों, चौपाइयों और 100 वर्ष से ऊपर जिंदा रहने वाले जानदारों का जायजा भी लिया गया, लेकिन इसका कोई लगा बंदा फार्मूला नहीं और ना ही एक शख्स का नुस्खा दूसरे के लिए कारआमद हो सकता है।